आज के टॉपिक की शुरुआत हम एक इंटरेस्टिंग केस से करने जा रहे हैं। यह कम से कम एक डेढ़ साल पहले की बात है कि मेरे ओपीडी में एक पेशेंट आई, 70 साल की महिला थी। वो पहले पेशे से टीचर थी और अभी रिटायर लाइफ गुजार रही है, और ये 15 साल से डायबिटिक है, और 15 साल से डायबिटिक होने के बावजूद भी अभी तक उनको कुछ कॉम्प्लिकेशंस डेवलप नहीं हुए हैं। एकदम अच्छे से अपना सब जो डाइट वेट है फॉलो करती है, गोलियां बराबर लेती है, और हमेशा जब भी आती थी मिलने को तभी भी हमेशा खुश रहती थी। उनका डायबिटीज, क्योंकि डायबिटीज हमेशा कंट्रोल में रहता था, एनर्जी से भरी हुई रहती थी। लेकिन जब ये पहले कुछ दिन पहले मेरे ओपीडी में आई तो काफी चिंतित दिख रही थी। मैंने जब थोड़ा सरप्राइज हो गया, उनको मैंने ऐसा पहले कभी भी देखा नहीं था, और काफी थकी हुई भी लग रही थी। जब उन्होंने मेरे सामने उनके रिपोर्ट रख दिया तभी मुझे मालूम पड़ा कि इसकी वजह क्या है। तो उनकी शुगर, पहली बार मैं अभी उनको 5-6 साल से देख रहा हूँ, हालांकि 15 साल से वो डायबिटिक है लेकिन मेरे साथ 5-6 साल से फॉलो कर रही है। तो पहली बार उनकी शुगर अबाउट 300 थी, खाने के पहले की और खाने के बाद की भी। तो अभी मुझे मालूम पड़ा कि इनकी वजह क्या है, क्यों इतनी थकी हुई भी लग रही है और चिंतित भी दिख रही है। तो जब भी ऐसे शुगर ऊपर जाती है तो हम लोग जनरली पेशेंट से पूछ लेते हैं कि बाबा क्या आप गोलियां बराबर नहीं खा रहे, डाइटिंग बराबर नहीं कर रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे। तो उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब मुझे 5-6 साल से जानते हैं कि मैं जो कुछ भी दवा होता है वो बराबर लेती हूँ, और मेरा अभी रिकॉर्ड है 15 साल से कि मुझे ऐसे कुछ प्रॉब्लम भी नहीं हुआ डायबिटीज, ये पहली बार मेरी शुगर ऊपर जा रही है। तो मैंने उनका प्रिस्क्रिप्शन देखा तो मैंने उनको ऑलरेडी 3 ड्रग्स चालू किए थे, 3 दवाइयां थी, और तीनों दवाइयां फुल डोज में चल रही थी। तो और उनका HbA1c भी अराउंड 10 था। तो जनरली अभी हमारा जो गाइडलाइंस है वो गाइडलाइंस के हिसाब से अगर एक अदर पेशेंट 3 ड्रग पे है गोली या 3 गोलियों पे है, 3 टाइप की गोलियों के ऊपर, तो हम लोग जनरली और HbA1c अराउंड 9.5-10 के बीच में रहेगा तो हम लोग जनरली उनको इंसुलिन चालू करते हैं। तो मुझे लगा कि ये भी एकदम करेक्ट कैंडिडेट है इंसुलिन चालू करने के लिए, क्योंकि 3 ड्रग्स मैक्सिमम डोज देने के बावजूद भी उनका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो मैंने सजेस्ट किया कि आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अभी और कुछ गोलियां बढ़ाने के बाद और कुछ दूसरा कुछ एक्शन लेने के बाद आपका शुगर कंट्रोल में आएगा करके। तो वो सुनने के बाद वो चौंक गई, थोड़ी और ज्यादा चिंतित हो गई। तो मैंने उनको कहा कि देखो, चिंतित होने की कुछ बात नहीं है, एक्चुअली इंसुलिन ही ट्रीटमेंट है डायबिटीज के। एक्चुअली असली जो अगर हम देखें तो पहले से इंसुलिन देता आ रहा था, बाद में है जो ड्रग्स भी आ गए ओरल ड्रग्स, तो उसकी वजह से इंसुलिन हम लोग टाइप 2 टाइप ऑफ डायबिटीज में नहीं देते हैं। तो मुझे बोलने लगे कि नहीं, लेकिन मुझे इंसुलिन नहीं लेना है, मैंने काफी सुना है इंसुलिन के बारे में कि, और उसका सुनने के बाद मुझे डर लगता है इंसुलिन के बारे में। तो एक्चुअली उनकी ये जो रिएक्शन है वो मेरे लिए कुछ सरप्राइजिंग नहीं थी, क्योंकि ये रिएक्शन हमको काफी 50% केसेस में तो मिलती है जिनको पेशेंट को जब हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आपको इंसुलिन लेना है। तो और उसके लिए अलग अलग कारण होते हैं, क्योंकि पेशेंट के मन में भी काफी भय होता है इंसुलिन के बारे में, कुछ भ्रांतियां होती है, और इसकी वजह हमारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिलने वाला नॉलेज और हमारे जो रिलेटिव्स है फ्रेंड्स है वो हमको कुछ बता देते हैं, अपने बिन मांगे जो आप हम लोग को एडवाइस देते, तो उसकी वजह से ये सब चीज हमारे जहन में जाके बैठ जाती है कि इंसुलिन अच्छा नहीं है और इंसुलिन लेना नहीं है। तो आप उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ऊपर मत जाइए, आप अगर इंसुलिन लेगी तो डायबिटीज आपका अच्छी तरह से कंट्रोल में नहीं होगा। तो जनरली मैंने उनको कारण पूछा तो उन्होंने एक कारण बताया, लेकिन मैंने जो अभी 5-6 कारण सुने हैं काफी पेशेंट से कि वो इंसुलिन क्यों नहीं लेना चाहते, उसमें से एक पहला कारण यह होता है कि इंसुलिन एक इंजेक्शन है तो इंजेक्शन का सबको डर लगता है, आपको भी डर लगता है, डॉक्टर्स और नर्सेस को भी डर लगता है, अगर पेशेंट को देने का टाइम हो तो उनको कुछ लगता नहीं, लेकिन जब खुद लेने का होता है तब उनको भी डर लगता है, वो तो आपने भी आपको नहीं मालूम है कि मैं डॉक्टर होने के बारे में बाद में मुझे मालूम पड़े, स्पेशली अभी जब कोविड का वैक्सीन का जो टर्म चल रहा है दौर चल रहा है तभी। तो लेकिन इंजेक्शन का ये डर हम लोग के दिमाग में से बहुत दिन से भी होता है, इसकी वजह यह भी होती है कि हम लोगों ने पहले कभी टेटनस टॉक्साइड का इंजेक्शन लिया होता है या और कोई वैक्सीन लिया, तो उसका दर्द हमको बहुत दिन होते रहता है, तो इसकी वजह से ये डर हमारे मन में बैठा हुआ रहता है। लेकिन अगर मैं बता दूं कि इंसुलिन का जो इंजेक्शन है उसका दर्द ना के बराबर होता है, इनफैक्ट आपको अगर
मच्छर काटे, मस्कीटो काटे तो उसका भी दर्द ज्यादा होगा, लेकिन इंसुलिन का इंजेक्शन का दर्द बहुत कम होता है। उसके रीजन ये है कि इंसुलिन की जो सुई रहती है वो बहुत ही छोटी और पतली रहती है, और आजकल हम लोग पेन यूज करते हैं इंसुलिन का इंजेक्शन देने के लिए, तो वो सुई पतली और छोटी होने के कारण दर्द ना के बराबर होता है। मरीज को मैं काफी बार बोलता हूँ कि मैं मेरे सामने अभी आपको एक इंजेक्शन देता हूँ, आपको देखिए कैसा लग रहा है इंजेक्शन, और ऑलमोस्ट ऑल पेशेंट बोलते नहीं मुझे कुछ महसूस ही नहीं होगा। दूसरा पेशेंट को डर यह रहता है कि अभी मैं कैसे ये यूनिट्स, मेरे को 20 यूनिट्स लेने हैं, 30 यूनिट्स लेने हैं, तो मैं कैसे एडजस्ट करूं। अभी ये भी जो प्रॉब्लम है ये भी काफी, ये जो आजकल नए पेन आ रहे हैं उससे सॉल्व हो चुका है। आपको खाली वो रोटेट करना है उसका जो नॉब रहता है वो, और उसके ऊपर आपको जितना यूनिट है उतना आ जाएगा आपको लेना है, और आप इजीली वो इतना यूनिट ले सकते हैं। जैसे कि सिरिंजेस और अभी जो निडल का दौर था पहले वो तो चला गया है, तो आपको वो भी उसका भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तीसरा डर ये लगता है कि इंजेक्शन मुझे कौन देगा, तो जनरली हम पेशेंट को बता देते हैं कि खुद आप ले सकते हैं, आप मेरे सामने ट्राई कर कीजिए इंजेक्शन लेके और देखिए, आप आराम से ले सकते हो क्योंकि आपको ये पेट पे लेना होता है या थाइस के साइड पे लेना होता है, तो इतना ये डिफिकल्ट नहीं है लेने के लिए। और मोस्ट ऑफ टाइम मैंने पेशेंट्स को मेरे खुद के सामने ही ट्राई करने को बोला है और पेशेंट्स आर वेरी हैप्पी। ओके, तो ये हो गया पहला कारण। दूसरा कारण जो रहता है कि जो डर डॉक्टर्स और पेशेंट के मन में भी रहता है कि ये पेशेंट का शुगर सडनली डाउन ना हो जाए, और ये काफी डॉक्टर्स का इस डर की वजह से भी काफी पेशेंट्स को इंसुलिन का इंजेक्शन जरूरी होने के बावजूद भी चालू नहीं करना चाहते। तो ये जो डर है ये बिल्कुल बेबुनियाद नहीं है, उसको कुछ रैशनल है। एक तो ऐसा है कि आजकल के जो नए इंसुलिन आ गए हैं बाजार में, वो इंसुलिन में ये इसका डर काफी कम हुआ है। और वैसे भी आपको अगर शुगर लो होने हो तो आपको गोलियों से भी होती है, अगर आपने गोलियां ज्यादा पावर के लिए स्ट्रांग गोलियां ली और उसके साथ आपने खाना नहीं खाया, या आपको जुलाब हो रहे है, उल्टी हो रही है, बुखार है, और आपने आपको खाना पेट में नहीं बराबर जा रहा, और आपने इंसुलिन की गोली, अगर आपने डायबिटीज की गोलियां ली तो उसके बाद भी आपकी शुगर कम हो जाती है। इनफैक्ट जो डायबिटीज की गोलियों से जो शुगर कम हो जाती है वो काफी देर तक कम रहती है, वही इंसुलिन से अगर कम हो भी गई तो वो ज्यादा देर तक कम नहीं रहती है। बाद में अगर समझो कम होने का चांस रहता है, इसके लिए हम लोग पेशेंट को बता भी देते हैं उसी टाइम पे कि आपको कैसे पहचानना है कि आपका शुगर कम हो रहा है। अगर वैसे आपको पहचान सकते हो तो उसी टाइम पे आपको रेमेडियल मेजर लेना है। रेमेडियल मेजर मतलब क्या, कि आप उसी टाइम पे शुगर ले सकते हैं, आप स्वीट ग्लास का कुछ जूस ले सकते हैं, लेकिन आप शक्कर दूध के साथ मत लीजिए, क्योंकि अगर दूध के साथ अगर आप शक्कर लेते हैं तो वो जल्दी एब्जॉर्ब नहीं हो जाती है और उस रिकवरी होने में टाइम लगता है। तो इसके लिए जो ये हाइपोग्लाइसीमिया जो है, जो लो शुगर है, जिसको एनी लेवल बिलो 70, ये आपको इसको हम लोग हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। आपके हर एक के घर में इसके लिए ग्लूकोमीटर होना जरूरी है। अभी आजकल कोविड का दौर चल रहा है, तभी आपके सबके घर में ऑलमोस्ट पल्स ऑक्सीमीटर है, तो वैसे ही ये ग्लूकोमीटर भी एक जरूरत की चीज है, ये लग्जरी की चीज नहीं है, तो ये भी जिसको भी डायबिटीज है उसके घर में ये होनी चाहिए। तीसरा डर पेशेंट को ये रहता है कि मेरा वजन बढ़ेगा इंसुलिन से। आजकल लोग काफी वेट कॉन्शियस हो गए, तो ये उनका जो ये कंसर्न है ये भी जायज है। एक्चुअली इंसुलिन से वजन थोड़ा बढ़ता है, ये सही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, डायबिटीज ये एक वेस्टिंग डिसीज है। वेस्टिंग डिसीज मतलब डायबिटीज अगर अनकंट्रोल रहेगा तो आपका वजन कम हो जाएगा। ये सही बात है कि जब को आपको डायबिटीज चालू होता है, शुरुआत होती है, तभी आपका वजन ज्यादा रहता है, लेकिन अगर आपका डायबिटीज अनकंट्रोल हुआ, आपने बिल्कुल दवा नहीं लिया और डायबिटीज का शुगर, तो आप पतले होते जाते हैं। तो जब भी आप इंसुलिन चालू कर देते हैं तो इंसुलिन चालू करने के बाद आपकी बॉडी शुगर अच्छी तरह से इस्तेमाल करती है ग्लूकोज, और उसकी वजह से आपका वजन थोड़ा बढ़ता है। अगर समझो आपको लग रहा है कि नहीं मेरा वजन अभी नॉर्मल है, मुझे नहीं बढ़ा वजन बढ़ाना है, तो उसके लिए आप डॉक्टर्स क्या करते हैं कि जो इंसुलिन है इसको SGLT2 इनहिबिटर्स या फिर मेटफॉर्मिन जैसी दवाई के साथ कंबाइन करते हैं। ओके, ये दवाइयां दो जो दवाई है गोलियां है, ये दो गोलियों से पेशेंट का वजन कम होता है, तो जो इंसुलिन का जो वेट इंक्रीज करने का जो एक्शन है उसको वो काउंटर करता है। तो ये हो गया इनका तो पेशेंट का तीसरा डर। चौथा डर पेशेंट को ये लगता है कि मेरा ये जो लाइफस्टाइल है और मेरा जो डेली रूटीन है उसमें ये काफी डिस्टर्ब कर सकता है, तो ये भी सही बात नहीं है। आपको
जिससे गोली लेते वैसे ही उसे टाइम पे इंजेक्शन लेना है, पेन है आप पेन अपने साथ कैरी कर सकते हैं और जब भी चाहिए तभी आप वो इंजेक्शन ले सकते हैं। मैंने कभी कई बार देखा है कि मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ तो मेरे बाजू के पेशेंट भी कभी कभी खुद ही उधर ट्रैवलिंग के टाइम भी इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं। तो आपका रूटीन बिल्कुल चेंज नहीं होता है उस अगर इंसुलिन आप ले रहे हैं तो ये हो गए चार पांच कंसर्न जो मैंने। हाँ, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसर्न जो है कि पेशेंट को लगता है कि मेरी कुछ गलती हो गई, मैंने बराबर ध्यान नहीं दिया, इसके लिए मेरा शुगर अभी बढ़ रहा है और मुझे इंसुलिन की जरूरत पड़ रही है। तो ये भी बिल्कुल गलत है। एक्चुअली कैसा होता है कि एक डायबिटीज एक प्रोग्रेसिव डिसीज है। प्रोग्रेसिव डिसीज मतलब है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और जैसे जैसे उसका ड्यूरेशन बढ़ता है वैसे वैसे वो ज्यादा ज्यादा सीवियर होते जाता है, मतलब और शुगर और ज्यादा बढ़ते जाती है। तो शुरुआत में वो डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है उससे ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद किस हो जाती है कि दवाई है, फिर एक दवा, फिर दो दवा, फिर तीन दवा, चार दवा कभी कभी कोई कोई डॉक्टर देते हैं। और उसके बाद एक स्टेज ऐसी आती है कि इतना सब होने के करने के बावजूद भी शुगर कंट्रोल नहीं होता है तो तभी आपको इंसुलिन लेना काफी जरूरत होता है। तो ये मत मैं समझ के चलिए कि नहीं मैंने बराबर कुछ ध्यान नहीं दिया इसके लिए मेरे को अभी इंसुलिन लेने की जरूरत होती है, ऐसे नहीं। अगर आपने नहीं ध्यान दिया तो डॉक्टर आपको बता देंगे क्या करना है और वो करने के बाद आपको आपका शुगर कंट्रोल में आएगा, लेकिन जब इंसुलिन की जरूरत होगी तब आप कुछ भी कीजिए वो इंसुलिन जब तक आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तब तक वो डायबिटीज कंट्रोल में नहीं आने वाला है। बाद में और एक स्टिग्मा रहता है लोगों के मन में, ये रहता है कि अरे मैं इंसुलिन का यूज कर रहा हूं ये दूसरे लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे, दूसरे क्या सोचेंगे ये हमारे लाइफ में काफी बड़ी बीमारी है उसका कोई इलाज नहीं है। हम लोग हमेशा सोचते हैं दूसरे क्या सोचते हैं, लेकिन दूसरा भी सोचते रहता है कि ये क्या सोचता है। तो खैर बेसिकली आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये स्टिग्मा की बीमारी, स्टिग्मा मतलब इसको कुछ लांछन जैसा समझने वाली बीमारी नहीं है। अगर समझो आपके शरीर में कोई चीज कम हो जाती है जैसे कि थायराइड के डिसीज में कभी कभी थायरोक्सिन कम होता है तो आप बाहर से लेते हैं, बराबर है। विटामिन कम हो गया, विटामिन डी कम हो गया तो आप बाहर से लेते हैं। इसी तरह डायबिटीज क्या है कि आपके शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है पर्याप्त, तो इसकी वजह से आप बाहर से इंसुलिन लेते हैं। तो उसमें स्टिग्मा रखने की कुछ बात नहीं है। तो ये सब कारण मैंने सब जो उनके जो कंसर्न थे ये मैंने मेरे पेशेंट के साथ डिस्कस किए। उसके बाद वो थोड़ी बहुत कन्विंस हो गई, लेकिन फिर भी उनके मन में वो डर बैठा था। तो मैंने उनको ऐसा ही कहा कि चलो हम लोग एक हफ्ते के लिए इंसुलिन ट्राई करते हैं, एक हफ्ते के बाद मुझे आप आके मिलिए, अगर आपको लगता है कि नहीं इंसुलिन से मैं संतुष्ट नहीं हूं तो हम लोग इंसुलिन बंद कर देंगे। हालांकि मैंने ये ऐसा ही कहा था, मुझे गारंटी था कि ये पेशेंट जब दोबारा 7 दिन के बाद आएगी तब बोलेगी नहीं डॉक्टर मुझे इंसुलिन से ही बहुत अच्छा लग रहा है। और वैसे ही हुआ, जब वो 7 दिन के बाद आ गई तभी काफी खुश लग रही, फुर्तीली लग रही थी, खुश इसके लिए लग रही थी कि अभी फुर्ती आने के कारण वो अपने पोते पोतियों के साथ भी खेल सकती थी। और इसकी वजह से वो मुझे बोले नहीं अभी मुझे, मैंने पूछा दर्द क्या है, नहीं कुछ भी दर्द मालूम नहीं होता है मुझे और मुझे पहले से बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। एक्चुअली एक स्टडी हुआ था कि जिसमें डायबिटीज और डिप्रेशन बहुत कॉमन होते हैं, जब भी आप इंसुलिन यूज करते हैं डायबिटीज में तभी आपको डिप्रेशन भी आपका क्योर हो जाता है। तो इंसुलिन एक संजीवनी है डायबिटीज पेशेंट के लिए। मैं ऐसे नहीं ये टॉक इसके लिए नहीं दे रहा हूं कि आप सब पेशेंट में इंसुलिन इस्तेमाल करना है, लेकिन जो पेशेंट को कहा गया है और जो पेशेंट को जरूरी है उन्होंने इंसुलिन इस्तेमाल करना है। एक्चुअली डायबिटीज 2 टाइप का होता है, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज। ओके, तो टाइप 1 डायबिटीज तो बच्चे लोग में होता है और बच्चे लोग को बचपन से ही इंसुलिन देना पड़ता है। जब भी कोई एडल्ट को बड़े आदमी को लगता है कि नहीं मैं इंसुलिन कैसे लो मुझे सुई काटा लगता है, हम लोग ये बच्चे लोग को उनको दिखाते हैं कैसे वो बिंदास इंजेक्शन लेते हैं, स्कूल में लेते हैं और ये बच्चे बड़े होके उनकी शादियां हो जाती है और आराम से वो नॉर्मल जिंदगी जीते हैं। तो पूरा इंसुलिन की वजह से ये लाइफ बदल गया है। एक जमाना था कि आपको अगर टाइप 1 डायबिटीज डायग्नोज हुआ तो आपकी उम्र है 6 हफ्ते से 6 महीने तक, मतलब और या फिर आप एडल्ट है और आपके एडल्ट में आपका डायबिटीज डायग्नोज हुआ तो आपकी उम्र है और आप 6 महीने से 6 साल तक ही जी सकते हैं, मतलब इट वॉज लाइक अ साइनिंग अ डेथ वारंट डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज। तो इंसुलिन का खोज करने के बाद वैसा नहीं रहा है। तो इसके लिए अगर इंसुलिन लेना है तो लेना ही है, आपका डायबिटीज अच्छी तरह से कंट्रोल में रखना है। अब कभी बार मुझे ये भी सवाल पूछा जाता है कि अरे ग्लूकोज एक एनर्जी के जैसा है, तो हमारा तो डायबिटीज में ग्लूकोज ज्यादा होता है तो इसके बावजूद भी हमें क्यों थकान महसूस होती है, फिर क्यों खराब है? इसकी वजह यह है कि शुगर
बॉडी में ज्यादा होने के बावजूद भी हमारा शरीर उसको इस्तेमाल नहीं कर पाता है। क्यों इस्तेमाल नहीं कर पाता? क्योंकि इंसुलिन जरूरी होता है हमारा शरीर ग्लूकोज को इस्तेमाल करे। अगर मैं एग्जांपल दे, जो समझो आप समुन्द्र में एक नाव में जा रहे हैं, बैठे हैं और आपको बहुत प्यास लगी, ओके, तो आप उस समुन्द्र का खारा पानी पी सकते हो क्या? नहीं पी सकते। तो आपके चारों बाजू में पानी ही पानी है लेकिन आपको इसका कुछ यूज नहीं है। इसी तरह बॉडी का होता है, आपके बॉडी में बहुत ही शुगर ऊपर है लेकिन आप उसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि आपको आपके शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम है। तो अभी फिनिश करने के पहले और कंक्लूजन में मैं इतना ही कहूंगा, डायबिटीज एक लाइफ लॉन्ग बीमारी है। आपकी शुरुआत शायद गोलियों से या लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट से हो जाएगी लेकिन जब आपको इंसुलिन लगेगा तब आपको इंसुलिन लेना है और हमेशा के लिए वो लेना है ताकि आपका शुगर कंट्रोल में रहे। शुगर कंट्रोल में रहेगा तो आपकी आपको कॉम्प्लिकेशंस या जो डायबिटीज के दुष्परिणाम है वो नहीं होंगे और आपकी जिंदगी सुख शांति और खुशी से बीतेगी। थैंक यू।